केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले 5 सालों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें तैयार करने के लिए मंगलवार को एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश की 22 क्षेत्रीय भाषाओं में 22,000 पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। इसके लिए UGC के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अस्मिता की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बहुभाषा शब्दकोश का एक विशाल भंडार बनाने की एक व्यापक पहल भी की गई है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अजीत पवार की NCP को झटके लगने शुरू हुए हैं। कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और महायुति में भी अजीत पवार के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में NCP के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के प्रमुख अजीत गवाणे, छात्र विंग के प्रमुख यश साने, पूर्व नगर सेवक राहुल भोसले और पंकज भालकर ने अजीत का साथ छोड़ दिया है। इन सभी के शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP में शामिल होने की संभावना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक शख्स बीते सप्ताह एक बड़े सरकारी अस्पताल के लिफ्ट में 42 घंटे तक फंसा रहा। 59 वर्षीय शख्स ने कहा उस दौरान उन्होंने अपने परिवार के लिए अंतिम संदेश लिखकर उसे बैग में रख दिया था। उलूर निवासी रविंद्रन नायर ने बताया लंबे वक्त तक बगैर पानी के लिफ्ट में फंसे रहने के दौरान उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी कंपनियों में समूह सी और डी के पदों के लिए कर्नाटक वासियों को 100% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी और डी श्रेणी के पदों के लिए 100% कन्नड़ भाषी लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। नीति आयोग का पुनर्गठन किया जा चुका है। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पाल और अरविंद वीरमानी को इस आयोग का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में हुए आतंकी हमलों से साफ हो गया है कि आतंकियों ने बड़ी संख्या में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। टॉप सूत्रों ने आतंकियों को पाकिस्तान से जुड़ी फंडिंग के बारे में बड़ी जानकारी साझा की है। इनमें पाकिस्तान की उन आतंकी कैंपों की लिस्ट भी है जो वह सीमा पर चलाता है। पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा या अन्य रूट का फायदा उठाया है। BSF सभी बाढ़ और सुरंग की जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को मंजूरी दी। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सिंह मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 11 जुलाई को इनके नामों की सिफारिश की थी। कांगो के एक गांव में हथियारबंद लोगों के हमले में 9 सैनिकों और एक सैनिक की पत्नी सहित कम से कम 72 लोग मारे गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जमीन को लेकर हुए संघर्ष में कांगो की राजधानी के पास एक मिलिशियाई हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए। प्रतिद्वंदी समुदाय के बीच हिंसा तेज हो गई है। यह हमला राजधानी किशांसा से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व में किंसेले गाँव में हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत और मॉरिशियस के बीच विशेष संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता करने के मकसद से मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर से विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद जयशंकर हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्र की इस यात्रा के दौरान पहली द्विपक्षीय बैठक करेंगे। महिला T20 एशिया कप 2024 श्रीलंका की धरती पर होने जा रहा है। एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। टीम की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है। वहीं उपकप्तानी की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना को मिली है। भारतीय टीम अपना पहला मैच पड़ोसी देश पाकिस्तान के खिलाफ 19 जुलाई को खेलेगी।